जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि जैसे कैसे कैसे कौन आया था, कहीं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें से पुर्तगालियों का आगमन के विषय में हमने जाना था। उसके आगे हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। इसके पहले का जो है फर्स्ट वीडियो में यूरोपीय कंपनियों का आगमन 2 करके होगा, उसमें आप देख लेंगे। जैसे अब हम उसको रिलीजन हो, जैसे अभी जहाँ पुर्तगालियों पे हम आ गए थे, जैसे कि हम भी एक बार ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, एक बार दिखा देंगे आपको ये कहाँ गया, ये पुर्तगालियों का हमने चालू किया था, ये पुर्तगाली कैसे थे। अब डायरेक्ट टाइम ना लेते हुए हम डायरेक्ट अब आते हैं अपने टॉपिक पर। पुर्तगाली जब भारत आए तो कैसे क्या हुआ, और वे 1500 से द्वितीय 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान के तहत पेंड्रो अलोजा कैम के बाल 13 जहाज़ों मसालों के लिए आए थे, जो कि 60 गुना जिससे अधिक मुनाफा हुआ तो बार बार वो आने लगे। इसी को देखते हुए वे क्या क्या हुआ उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान के पेंडो और 13 जहाज़ों को लेकर आया था, जिसमें एक बेड़ा नायक बनकर भारत आया था। उसका अरब व्यापारियों के साथ भीतर संघर्ष हुआ। इसके बाद कैबराल ने कोचिंग और कन्नौर के शासकों के साथ मित्रता स्थापित की। इसके बाद उन्होंने वह अनुभव किया कि क्षेत्रीय राजाओं ने आपसी विवाद से लाभ उठाकर शक्ति का संबंध क्षेत्र अपना अधिकार स्थापित कर लिया, और यही धारणा बाद में ही पुर्तगाली नीति का आधार बनी। इसमें यही सब पूछता, चाहे जो भी एग्जाम हो अगर आप बढ़िया से देखेंगे तो तभी कर पाएंगे, क्योंकि एक एक 50 MCQ इधर उधर से करने इतने, जब डिटेल पढ़िए उसके बाद ओवरऑल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ना। जैसे वो यूरोपीय कंपनी का आगमन पूरा बढ़िया समझ लीजिए, उसके बाद कहाँ से आएगा, अरे वो बनाने वाले को भी वो नहीं मिलेगा कि कहाँ से हम क्वेश्चन दें। जैसे पुर्तगाली कंपनियों का आगमन, इसके बाद अगला ही वो मराठा मुगल अवध, ऐसे ऐसे एक एक टॉपिक। उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिंदी, गणित, एक एक टॉपिक डिटेल से पढ़ेंगे कि वैसे ही बस एक यहाँ एक वहाँ तीन वहाँ ऐसे होगा नहीं होगा। 1502 अब देखिए हम बता रहे हैं, अब ये जो अब हमको चलने दीजिए जो चल रहा है। क्षेत्रीय राजाओं के आपसी विवाद से लाभ उठाकर शक्ति का द्वारा संबंधित क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित किया गया, यही धारणा बाद में पुर्तगाली नीति का आधार बन गई। वास्को डी गामा 1502 पुनः भारत आया। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचिंग में पहली फैक्ट्री स्थापित की। अभी ऐसे पूछेगा कि पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कब स्थापित हुआ, कितने सन में, तो 1503 में आए थे और 1503 में पुर्तगालियों ने कोचिन में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ऐसे यहाँ से एक आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और 1505 में कन्नूर के में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। पुर्तगालियों ने पूर्वी जगत में यूरोप के मध्य होने वाले संपूर्ण व्यापार एक अधिकार का उद्देश्य 1505 में नई नीति अपनाई, जिसे के अंतर्गत 3 वर्ष के लिए गवर्नर नियुक्त किए गए थे। प्रथम इस पद के लिए फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा को चुना गया। कि तो जो गवर्नर नियुक्त किया गया तो इसे किसे चुना गया, फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा को आप मार के आएंगे। दावत है कि वास्को डी गामा भारत के 3 बार आया था, और तीसरी बार ये 5 सितंबर, तीसरी बार कब आया था, 5 सितंबर 1524 ईस्वी में आया था। वो को पुर्तगाली वायसराय के रूप में आया, और ये 5 दिसंबर 1524 ईस्वी में कोचीन में उसकी मृत्यु हो गई। तो वो जो आया तो उसकी मृत्यु कब हुई थी, 1524 में। चाहे UPSC हो, बिहार PCS, MP PCS, यही तो फलान PCS, ढेकान PCS, निपुर PCS, ऐसे RRB, NTPC, रेलवे ग्रुप डी, अंडबंड सब हो जाएगा। बस आप देखिए जीके कहाँ से बनाया गया, जब पूरा डिटेल रहेगा। तो यह पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर फ्रांसीसी अल्मोड़ा, 15 इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार से सुरक्षित करना था। इसे नियमित शासन शांत जल की नीति अपनाई। उसने भारत में पुर्तगाली राज व्यवस्था करने का प्रारंभ किया। 1505 ने अलंजीड़ा के कन्नूर में तथा किलवा के दुर्ग स्थापित किए थे। 1509 ईस्वी में अल्मीड़ा ने एक गुजरात के तुर्की और मिस्र में बड़े
विरोध को पराजित कर इस पर विजय प्राप्त की। पुर्तगाली नौसेना हिंद महासागर से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गई और आने वाले समय के लिए हिंद महासागर पुर्तगाली शासक बन गया। अब ये इसमें फ्रांसीसी अल्मोड़ा 1505 से 1500 हुए, जो कि पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर था। उसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार स्थापित करना था। उसके बाद उसने शांति ये क्वेश्चन भी बनेगा, उसके बाद आरंभ किया गया 1505 से अलजाड़ीवा कन्नूर तथा किलावत में दुर्ग स्थापित किए। ये भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है। इसके बाद ये पुर्तगाली ना से ना यहाँ से यहाँ तक ये हो गया। अल्फांसो डी अलबुरा 1509 से 1515 तक ये रहा, जैसे भारत के में पुर्तगाली का वास्तविक न्यू डालने वाला अल्फांसो डी अलबुरा सर्वथम कब हुआ था? ये आ जाएगा 1503 ईस्वी में एक जहाजी बेड़ा नायक बनाकर भारत आया। तो कब अल्फांसो डी 1503 में एक जहाजी बेड़ा कोचिन के पुर्तगाल में नियुक्त करवाया। 1505 पुर्तगाली का गवर्नर नियुक्त हुआ और ये 1510 ईस्वी तक गोवा के समृद्ध बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। उस समय बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह सुल्तान के अधीन था। इस समय पुर्तगाली भारत के सबसे शक्तिशाली जलशक्ति बन चुके थे। पश्चिमी समुद्र तट पर उसकी तूती बोलने लगी थी। गोवा को अपने अधीन करने के लिए भारत में क्षेत्रीय पुर्तगालियों का राज्य हुई। 1511 ईस्वी में अलबुकर्न ने मलक्का और 1515 ईस्वी में फारस ने खाड़ी के होनमुई बंदरगाह पर अधिकार बना लिया। अब यही आएगा इसमें, ये जो हमने पढ़ा है और उसके बाद जो हम बता रहे हैं फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा वाला। इसमें 1515 में अल्फांसो ने मलक्का और 1515 ईस्वी में फ्रांस रसी खाड़ी में अवस्थित तो होर्मुज बंदर ये पूछेगा कि कब बनाया था फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा वो, तो ये यही आएगा इसे। अब देखिए नीचे बना अल्फांस अस्थायी पुर्तगाल आबादी बसने की दृष्टि से स्वदेशियों ने भारत महिलाओं से विवाह करने की प्रोत्साहन की, लेकिन वह मुसलमानों को काफ़ी परेशान करता था। यह मुसलमानों को परेशान, उसने अपने सिरे की सती प्रथा बंद करवा दिया। वह राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी था। आपको ये पूछ देगा कि राजा राम मोहन का पूर्वगामी कौन था, तो आप यही मार के चले आएंगे। अब ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, कोई अलग से नहीं आया। सब कहेंगे कि हिस्ट्री बहुत कठिन है, कुछ नहीं सब आसान है। हिस्ट्री पॉलिटिक यहाँ तक जब उतना लंबा लंबा इतिहास भूगोल का कैलकुलेशन करके केमिस्ट्री वगैरह सब रिएक्शन दे दिया गया, तो हिस्ट्री कौन सा है, सब आसान है। इतना बड़ा रिसर्च आदमी कर गए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फलान यूनिवर्सिटी कर करके बैठ गया घर पर, बताइए कैसे होगा। उसके बाद कोई भी कर सकता है। 1598 वास्को डी गामा कब है? 1498 वास्को डी गामा अमेरिका। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन में केप गुड होप। 1487 बार्थोलोम्यू डियोस पुर्तगाल ऑस्ट्रेलिया। 1717 खोजकर्ता ये थे कैप्टन जोसन कुक से ब्रिटेन। न्यूजीलैंड 1642 हाईलैंड ये। उसके बाद नूनो दी कुन्हा 1529 से 1538 तक अलबुकर के बाद वह पुर्तगाली गवर्नर नूनो दी कुन्हा, जिसने 1529 ईस्वी में कार्यभार ग्रहण किया। वे फ्रांसिस ये सब जब खत्म होते अलबुकर ये जो कि दूसरा महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर बना जो कि नूनो दी कुन्हा था, उसने 1529 ईस्वी में भारत का कार्यभार ग्रहण किया।
उसने मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के बादशाह के बीच संघर्ष का लाभ उठाया और 1535 ईस्वी में बेसिन और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया और कुन्हान ने 1530 ईस्वी में शासन का मुख्य केंद्र कोचीन जो कि कोचीन गोवा का केंद्र बना दिया। तो यही सब कौन था कैसे था कहाँ केंद्र बनाया तो ये 1530 ईस्वी में शासक का मुख्य केंद्र कोचीन ये नोदी कुन्हा जो 1530 अभी मत कहिए 1538 है तो क्योंकि इसके बीच में बिटवीन है इतना 1538 में गार 1538 ईस्वी में गार्सियोदीन नरोना एक अन्य महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर बना। उसने दमन साल्टेट चौल बम्बई सेंट टामस 1538 में गार्सियोदीन नरोना जो था वो एक अति महत्वपूर्ण पुर्तगाली बना। उसने दमन साल्टेट चौल बम्बई सेंट टामस मद्रास और हुबली में अपना केंद्र स्थापित किया। अब ये जो 1538 में कौन बना ग्रासिया द नारोना एक महत्वपूर्ण उसने दमन साल्टेट चौला मुंबई सेंट टामस मद्रास और हुबली में अपना केंद्र स्थापित किया। समझ में आ गया दिमाग में जा रहा होगा धीरे धीरे चल रहे हैं ता नहीं उससे सो लोन अभिभागन को दिया गया था कायम कर 1559 ईस्वी में पुर्तगालियों का दमन पर अधिकार हो गया। इसके पास लगभग दुनिया में 500 और सबसे अधिक जहाड़ों का बेड़ा था परंतु लंबे समय तक वह अपने साम्राज्य की रक्षा न कर सका। जो जी पुर्तगालियों की अन्य कंपनियों से व्यापार करने के लिए हिंद महासागर में आने लगी परस्पर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। पुर्तगालियों ली मैदान छोड़ गए। 1580 से पुर्तगाली स्पेन के साथ सम्मिलित हो गए और अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। अब ये ऐसे ऐसे कैसे कैसे हुआ सब इसमें डिटेल टाइम जो कि सिलोन ने अधिकांश क्षेत्रों में पुर्तगाली कायम कर दिए 1500 दमन के वजह से 1500 और ये 1580 ईस्वी में पुर्तगाली स्पेन के साथ सम्मिलित हो गए और अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। जब उसके बस में हो गए स्वतंत्रता खो बैठे बाद में अनेक स्थानों पर पुर्तगालियों का साम्राज्य पुर्तगालियों को सैनिक पराजय का भी सामना करना पड़ा। अब इसके आगे बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।